हाय गाइस, बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान सर की पहली 200 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्म थी दोस्तों की, जिसने आज 7 साल कंप्लीट की है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मेकर्स इस फिल्म का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, यानी कि किक 2। तो दोस्तों, क्या स्टार कास्ट रहेगी, कौन से डायरेक्टर इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे, लीड एक्ट्रेस के तौर पर कौन देखने को मिलेगी, ये सभी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, हाल ही में सलमान खान उनकी आने वाली फिल्म टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी फिल्म आएगी उस फिल्म का नाम है कभी कभी दिवाली, जिसका ऑफिशियल टाइटल भाईजान रख लिया है। दोस्तों, अंतिम द फाइनल ट्रुथ फिल्म आएगी और दोस्तों इसके बाद ब्लैक टाइगर फिल्म आएगी। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले किक 2 फिल्म के बारे में। आज से लगभग 2 या 2.5 साल से पहले इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी थी साजिद नडियाडवाला ने, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है, जिन्होंने किक फिल्म को बनाया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि किक फिल्म एक्शन और थ्रिल से भरपूर थी, जिस फिल्म के अंदर सलमान खान डेविल और देवीलाल का रोल करते नजर आए थे। और दोस्तों, फिर से फैंस उनको वो रोल में देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। और दोस्तों, इसकी स्क्रिप्ट लिखकर कंप्लीट हो गई है। और दोस्तों, हाल ही में जैकलिन फर्नांडिस के बर्थडे पर साजिद नडियाडवाला ने किक 2 फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी थी और दोस्तों फाइनलाइज और एक हिंट भी दे दी थी कि किक 2 फिल्म के अंदर सलमान खान के ऑपोजिट हमें जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टार देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, किक पार्ट 1 फिल्म के अंदर हमें नेगेटिव रोल करते नजर आए थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लेकिन दोस्तों किक 2 फिल्म के अंदर कोई बड़ा एक्टर देखने को मिलेगा जो कि सलमान खान को बड़ी से बड़ी टक्कर दे सके। और दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग अगले साल एंड में क्रिसमस के मौके पर होगी और दोस्तों ये फिल्म 2023 के ईद के मौके पर रिलीज होगी। लगभग 150 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा और ये भी एक एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म रहेगी। ज़्यादातर इस फिल्म की शूटिंग आउट ऑफ इंडिया होगी दोस्तों, बाहर की कंट्री में होगी। और दोस्तों, सलमान खान सर के पास जिस तरह से फिल्में हैं उस हिसाब से दोस्तों उनकी आने वाली 5 साल तक बजरंगी भाईजान 2 फिल्म नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि उनके पास बहुत सारी फिल्में हैं और दोस्तों बड़ी बड़ी फिल्में हैं। और दोस्तों, ये जो ब्लैक टाइगर फिल्म है उसको बनने में लगभग 8 से 9 महीना या फिर 1 साल लग सकता है दोस्तों, और टाइगर 3 फिल्म को भी बनाने में लगभग 1 साल लग सकते हैं दोस्तों। तो जिस तरह से उनके पास और दोस्तों भाईजान फिल्म है वो भी 8-1 महीना ले लेगी, तो दोस्तों किक 2 फिल्म तो 2023 से पहले आएगी नहीं। लेकिन दोस्तों, जब भी फिल्म आएगी बॉक्स ऑफिस पर 300, 400, 500 करोड़ तक भी जा सकती है। और दोस्तों, विलन का अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों किक फिल्म को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था पब्लिक्स और क्रिटिक्स की तरफ से। और दोस्तों, आशा है कि किक 2 फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर गेम चेंजर फिल्म रहेगी। तो दोस्तों, आप सलमान खान सर की कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, किक 2, भाईजान, बजरंगी भाईजान, ब्लैक टाइगर, टाइगर 3? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें।